कि गैर मुस्लिम बोलते ऐतराज करते हैं, उनके में बुरा माना जाता है कि खाला या मौसी की लड़की से शादी करना उनके लिए में गलत समझते हैं, तो उनको ऐसा क्या जवाब दिया जाए जिससे वो मुतमईन हो जाए? शेख से मैं जानना चाहता हूँ। आप ये बताइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत के लिए बहुत से मर्दों को हलाल करार दिया है कि उनसे शादी हो सकती है, और बहुत से मर्दों को हराम करार दिया है कि उनसे शादी नहीं हो सकती है। तो ये फैसला कौन करेगा कि किससे शादी करना हलाल है, किससे शादी करना हराम है? जाहिर है ये फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है। अब अगर आप अकल लगाएं कि फला रिश्तेदार से शादी नहीं जायज है, फला से जायज है, ऐसा क्यों है, तो भाई इसकी क्या तौजीह है, वो क्या रीजन है? और बाकी जो उनका एतराज है, मैं बताऊं उनका एतराज आता कहां से है? उनका एतराज इस वजह से आता है कि हमारे मुआशरे में खाला के बेटे को क्या बोलते हैं हम लोग, भाई क्या भाई बोलते बोल हैं? देते हैं। भाई, खालाजात भाई बोलते हैं, चचा के बेटे को चचाजात भाई बोलते हैं, फूफी के बेटे को फूफीजात भाई बोलते हैं। तो ये जो आप भाई बोल रहे हो, तो भाई बोलने से कोई भाई नहीं हो जाता है, वो दरअसल भाई नहीं है। इसलिए आप अरबी जबान में जाएंगे तो चचा के बेटे के लिए आप भाई का लफ्ज नहीं पाओगे। शरीयत के अंदर कहीं भी चचा के बेटे को भाई नहीं कहा गया है, उसको कहा जाएगा इब्नुल आम। खाला के बेटे को कहा जाएगा इब्नुल खाला, उसको भाई नहीं, भाई तो हमने उसको बनाया हुआ है, वो भाई नहीं है। तो ये जो लफ्ज भाई है ना, यहां से वो मसला आता है उनके दिमाग में कि भाई जब वो भाई है तो उसे शादी कैसे जायज होगी? अरे वो भाई नहीं है, भाई तो आप कह रहे हो ना। भाई वो होता है जो आपकी माँ से या आपके बाप से पैदा होता है, वो भाई होता है, वो आपकी माँ या आपके बाप से थोड़ी पैदा हुआ है। तो भाई वो होता है जिसके साथ आपका रिश्ता माँ और बाप के बतन से जुड़ता है। भाई किसी को भी नहीं कह सकते, जैसे किसी चलते फिरते आदमी को भी हम भाई कहते हैं, इंसानियत के नाते वो हमारा भाई है, क्योंकि हम सारे लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो इंसानियत के नाते तो हर आदमी हमारा भाई है। तो क्या हर आदमी से शादी नहीं जायज होगी? भाई हम किसी को भी तो भाई बोलते हैं, हमारा इंसानी भाई है वो। तो ये जो लफ्ज भाई का कंसेप्ट है ना, ये असल इसका असल स्वभाव वहीं से आ रहा है, वो भाई नहीं है। हमारी शरीयत में भाई उसको कहा, बल्कि बल्कि दुनिया के हर शरीयत में भाई वो है जो आपकी माँ से या आपके बाप से पैदा हो या आपकी माँ का दूध पिया हुआ हो, वो आपका भाई है, ऐसे कोई भी भाई थोड़ी हो जाता है। तो ये जबान का मसला है, ये सारा शुबहा सारा इश्काल हमारी जबान की वजह से आ रहा है कि हम अपनी जबान में उसको खालाजात भाई बोलते हैं, तो कहते हैं कि फिर भाई भाई से शादी कैसे जायज होगी? अरे वो भाई नहीं, आप उसको भाई बोलो, बाप बोलो, चचा बोलो, बोलने से कुछ नहीं होता है। जो असल रिश्ता है वो असल रिश्ते के एतबार से उस पर हुक्म लगेगा।